सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल वीएस। एंड आज मैं लाया हूँ आपके लिए 160 सेगमेंट के कैटेगरी से दो बाइक्स का एक कंपैरिजन वीडियो, जो है द होंडा एक्सप्रेस 160 BS6 एंड द टीवीएस अपाचे आरटीआर 164 वी BS6 एडिशन। हाल ही में इन दोनों बाइक्स में काफ़ी न्यू अपडेट्स से चेंजेस देखने को मिले हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं और इनका रिव्यू देखना चाहते हैं तो ये इनके बारे में दो वीडियोस मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है। अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव डेली रिव्यू कंटेंट कॉम्पिटिशन वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप ऐसे डेली कंटेंट वीडियोज़ कभी नहीं मिस करें। सो स्टार्ट द वीडियो। होंडा की एक्सप्रेस में आपको काफ़ी अच्छे हैं न्यू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर सबसे पहले अगर मैं इसके इंजन के बारे में बताऊं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 162.3 सीसी का PGMFI इंजन, जो है 2-valve एक्सटेंशन इंजन एंड एन ऑयल कूल्ड इंजन। इसमें आपको मिलेगा 5-speed ट्रांसमिशन विथ मेट वेट मल्टीप्लेट क्लच। वहीं अपाचे में आपको देखने को मिलता है 159.7 सीसी का PGMFI इंजन, जो है 4-valve एंड ऑयल कूल्ड इंजन। इसमें आपको 5-speed ट्रांसमिशन विद बेल्ट मल्टीप्लेक्स क्लच देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एक एडवांटेज देखने को मिल जाता है, जो है 4-valve इंजन, जिस वजह से इंजन हाई रेव से काफ़ी अच्छे ब्रीथ कर पाता है। इसके एक्सब्रेड के पावर फिगर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको पावर देखने को मिल जाता है 13.67 BHP एट 8000 RPM एंड टॉर्क देखने को मिल जाता है 14.7 Nm एट 5500 RPM। वहीं अपाचे में आपको देखने को मिलता है 15.9 BHP एट 8250 RPM एंड 14.1 Nm ऑफ टॉर्क एट 7250 RPM। सो अपाचे का इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मगर फिर भी दोनों का बाइक्स में आपको अराउंड 40-45 km का माइलेज आराम से देखने को मिल जाता है। अगर चलिए आप दोनों बाइक्स के डायमेंशंस के कंपैरिजन के बारे में बात करें, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेट के बारे में बताऊंगा। एक्सप्लेट में आपको लेंथ देखने को मिल जाता है 213 mm विथ 786 mm, हाइट 115 mm एंड व्हील बेस देखने को मिल जाता है 1347 mm। ग्राउंड क्लीयरेंस आपको मिल जाता है 160 mm, सीट हेड आपको मिल जाता है 795 mm, जो ऑलमोस्ट ओवरऑल एवरेज हाइट राइडर्स के लिए काफ़ी अच्छा एंड कंफर्टेबल है। कर्व वेट आपको देखने को मिल जाता है 143 kg फॉर सिंगल डिस्क एंड 144 kg फॉर डबल डिस्क वेरिएंट। हाँ, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन में डबल डिस्क वेरिएंट देखने को भी मिल जाता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आपको मेरा रिव्यू वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में का में लिंक मिल जाएगा। चलिए अब अपाचे के बारे में बात करें, अपाचे में आपको देखने को मिलता है 235 mm ऑफ लेंथ, 790 mm ऑफ विथ, 150 mm ऑफ हाइट एंड 1357 mm ऑफ व्हील बेस, जो आपको एक डायमेंशंस के अगर हम लोग देखें तो इसमें काफ़ी अच्छा एक बिग बैफिल आपको देखने को मिल जाता है। एक ग्राउंड क्लियरेंस में आपको मिलता है 180 mm, जो हमारे इंडियन रोड कंडीशंस के मोर देन इनफ है कंपैरेटिवली, तो एक्सपर्ट जो थोड़ा कम है मेरे हिसाब से। और सीट हाइट देखने को मिलता है 800 mm, सो ओवरऑल हाइडर राइट हाइडर्स के लिए काफ़ी अच्छा इसका सीट हाइट है। ड्रम और वहीं आपको कर्व वेट में ड्रम वेरिएंट के लिए देखने को मिल जाता है 147 kg, डिस्क के लिए है 149 kg। अब चलिए इसके टायर्स और सस्पेंशन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एक्सब्लेड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक्सब्लेड में आपको काफ़ी अच्छे टायर्स और सस्पेंशन ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। एक्सब्लेड में आपको मिलता है फ्रंट में 880x100 mm का R17 ट्यूबलेस टायर्स है, रियर में मिलता है 130x70 mm का R17 ट्यूबलेस टायर्स फॉर बोथ ड्रम एंड डिस्क वेरियंट। तो इसका टायर का आपको ग्रिप क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिलता है फॉर अवर इंडियन रोड कंडीशंस। फ्रंट में आपको सस्पेंशन भी देखने को मिल जाता है 140 mm का टेलीस्कोपी सस्पेंशन, रियर में आपको मोनो सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। वहीं अपाचे में आपको फ्रंट में मिलता है 90x90 सेक्शन का R70 ट्यूबलेस, मगर रियर के लिए आपको डिस्क ड्रम के लिए दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ड्रम के लिए आपको मिलेगा 110 mm R/80 R70, 130x70 R70 फॉर द डिस्क वेरियंट। फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है 41 mm का टेलीस्कोपी सस्पेंशन, रियर में आपको देखने को मिल जाए गैस चार्ज शोआ ट्यून्ड मोनो सस्पेंशन, जो आपको इंडियन रोड कंडीशन में काफ़ी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कंक्लूजन में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको दोनों गाड़ियों में से अगर आपको एक काफ़ी अच्छा एक डेली रोड कंडीशंस के लिए, डेली इंडियन रोड कंडीशंस के लिए भी, और आपको कभी कभी हाईवे राइड्स के लिए अगर आपको एक बाइक चाहिए जो आपको ट्रैफिक में भी काफ़ी अच्छा एक स्पोर्टियर फील दे और काफ़ी अच्छा एक स्पोर्टियर परफॉर्मेंस भी दे, तो आपको अपाचे को जरूर कंसिडर करना चाहिए। मगर आपको एक प्योर एक सिंपल स्पेसिफिकेशन, सिंपल एंड कम फीचर्स में एक अच्छा एंड ड्यूरेबल बाइक अगर आपको चाहिए
तो आपको एक्सपर्ट को जरूर कंसिडर करना चाहिए। अगर आपने अभी भी चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो आपको नीचे रेड कलर का ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखेगा उस चैनल, उस पर दबा दीजिए और उसको ग्रे कलर में कर दीजिए ताकि आप, और पास में उसकी घंटी को भी बजा दीजिए ताकि आपको ऐसे डेली एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने को मिलते रहे। सो हियर आई एम एंडिंग द वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।